apple. A apple. Football. The ball. She cat. She cat. She cat. The door. The door. 1.5 साल की बच्ची ने कमाल कर दिया है। तेज याददाश्त की वजह से उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गुजरात निवासी 1.5 साल की बच्ची इन दिनों अपनी नानी के घर बरेली के मणिनाथ आई हुई है। बच्ची ABCD 1 2 3 कलर्स नेम सब कुछ जानती पहचानती है। बच्ची ने तेज याददाश्त की वजह से इतनी कम उम्र में ही अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। बेबी अक्षवी रावत से मिलने पहुंची हमारी न्यूज टुडे नेटवर्क की टीम। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बच्ची को मुँह जबानी सारे इंग्लिश के, हिंदी के और 1 2 3 याद है। कहीं ना कहीं इस जो कोशिश रही है उनकी मदर के लिए, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से सीखी हैं और किस तरह से नाम दर्ज हुआ है। आकांक्षा, बच्ची है, किस तरह से सीखी? थोड़ा उसको हमने टीवी पे वीडियोस दिखाई और उसको हम पढ़ाते हैं, बुक वगैरह लेके भी बैठते हैं, उसको अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, काउंटिंग है, ऐसे दिखाते हैं बार बार चीज़ों को। मैं उसको मतलब जब सुलाती हूँ या खिलाती हूँ तो उसको मतलब बार बार ऐसे, वो नहीं भी बोलती थी तो भी मैं बोलती रहती थी ऐसे ABCD है या 1 2 3 है, तो वो धीरे धीरे जब उस बोलना उसने स्टार्ट किया तो वो चीज़ों को फिर कहीं ना कहीं वो बोलने लगी, फिर AB ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, फिर अभी तो वो सीख ही गई है। क्या क्या अभी तक सीखी है बच्ची? उसको लेटर्स आते हैं, आइडेंटिफिकेशन आता है अल्फ़ाबेट में A to Z तक, उसको ABCD आता है, 1 to 10 तक की काउंटिंग आती है, व्हाट कम्स आफ्टर आता है, शेप्स भी बताने लगी है, उसको एनिमल्स भी पता है और अभी कलर्स भी उसको आइडेंटिफाई है। बात करें तो क्या एज रही होगी जब सीखना चालू करा था? 7 to 8 मंथ से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था उसको सिखाने के लिए। बात करें पेरेंट्स की तो आपका और आपके हस्बैंड का कितना इस पर असर रहा, कितना कैसे पढ़ाया? मैं भी पढ़ाती हूँ जब उन्हें टाइम मिलता है, तो वो भी देखते ही हैं, दोनों बच्चों को देखते हैं, संडे को रहता है या कभी ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं तो वो भी देखते ही हैं, मतलब बड़ी बेटी को भी देखते हैं और छोटी को भी देखते हैं साथ में वो कभी कभी, मतलब मोस्टली क्योंकि अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मैं भी देख मतलब 24 आवर्स तो अभी मेरे साथ ही हैं बच्चे, लेकिन उनको जैसे ही टाइम मिलता है वो दोनों को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो असर है वो पेरेंट्स का असर ज़्यादा रहा है, पेरेंट्स ने जो सिखाया है वही बेटी सीखी है, अब किस तरह से आगे बढ़ती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बरेली से रंजीत शर्मा, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।